वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो कि ईसीएम के ऊपर एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, 2011 का पूछा गया, दो नंबर्स के लिए। क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की जा रही है आयरन में मटेरियल रिमूव करने के लिए। आयरन का एटॉमिक वेट अपने को दिया है 56, वैलेंसी दी है तो अगर ये सब दे दिया तो अपन लोग ई बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ई इज इक्वल टू क्या? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट कितना है? 56 अपॉन वैलेंसी कितनी है? 2। तो अपना यहां से ई निकल गया कितना? 28। ठीक है। उसके बाद डेंसिटी दी है किसकी? आयरन की। रो कितनी दी है? 7.8 ग्राम पर सीसी, मतलब सीजीएस यूनिट में डेंसिटी दी। आयरन की डेंसिटी कितनी होती है? 7800 MKS यूनिट में, CGS में 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग परफॉर्म की जा रही है। मटेरियल रिमूवल रेट कितना हुआ? अपने को कितना मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए? दिया हुआ है कितना मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए? 2 CC/min। कितना चाहिए? 2 CC/min अपने को क्या चाहिए? मटेरियल रिमूवल रेट। तो इस मटेरियल रिमूवल रेट को पाने के लिए अपने को कितना करंट सप्लाई करना पड़ेगा, ये पूछा है। बहुत सिंपल है, इस मटेरियल रिमूवल रेट को प्राप्त करने के लिए कितना करंट चाहिए। तो मटेरियल रिमूवल रेट दिया है, उसका फॉर्मूला लगा दो। लेकिन कौन सा मटेरियल रिमूवल रेट के दो फॉर्मूले हैं, एक ग्राम के टर्म में मतलब मास के टर्म में, एक वॉल्यूमेट्रिक के टर्म में। तो यहाँ पे जब MRR वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो अपन लोग फॉर्मूला भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वॉल्यूम वाला ही इस्तेमाल करेंगे। तो MRR इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? ई I अपॉन रो F, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे 2 CC/min दिया है तो सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें। तो 2 upon 60 cm³/s ये हो गया। E कितना आया अपना? 28। I कितना? अपने को I निकालना है। रो कितना है? 7.8 इंटू अपना F 96,500। इसको पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को आई के टर्म में लिख लें इसको पहले। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 2 × 7.8 × 96,500, ये सब उधर गया, अपॉन 60 × 28। यहाँ पे यहां से आई की वैल्यू अपन लोग निकालेंगे कितना आएगी? 896.07 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अपसा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब किसमें पूछा गया था करंट? एम्पियर में। तो यहां से एम्पियर में ही निकला है तो यही आंसर अपना सेलेक्ट हो गया। कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं इसमें, जो करना था हमने पहले ही कर लिया। सेंटी सेकेंड में था तो यहाँ पे मिनट था तो सेकेंड में चेंज कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।